सुधार कर लें 5 मिनट। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर रसूल, हैया अला हैया अलल फलाह, हैया अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु, वाश्हदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूलुह, अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين जैसा कि सब जानते हैं गुज़श्ते दिनों में कनाडा के दौरे पर था, तकरीबन 6 हफ्ते का प्रोग्राम था। अल्लाह ताला के फजल से हर लिहाज से ये दौरा बबरकत रहा, जमाती प्रोग्रामों के लिहाज से भी और गैरों के साथ प्रोग्रामों के लिहाज से भी। कनाडा के जलसा सलाना के बाद वहाँ के जलसे के ताल्लुक से लोगों के तासरात और इंतज़ामी बातें और अल्लाह ताला के फजलों पर शुक्र का जिक्र तो मैंने वहीं अगले खुत्ते में कर दिया था, जलसे से अगले खुत्ते में। आज जो बाकी मसरूफियात और प्रोग्राम रहे उनका कुछ जिक्र करूँगा। अल्लाह ताला के फजल से कनाडा की जमात भी दुनिया की बहुत सी दूसरी जमातों की तरह इखलास व वफा में आगे कदम बढ़ाने वाली जमातों में से है। अल्लाह ताला के फजल से नौजवान लड़के भी और लड़कियां भी जमाती कामों के लिए आगे बढ़ने की रूह लिए हुए हैं। ख़ास तौर पर प्रेस और मीडिया के हवाले से नौजवानों ने बहुत काम किया। उसी पैमाने पर तारुफ की कोशिश की है और अल्लाह ताला ने उनकी इन कोशिशों को फल भी लगाया। सियासतदानों और हुकूमती अहलकारों से तो पहले भी वहाँ तारुफ भी था और अच्छे तल्लुकात भी थे, इनमें भी इजाफा किया इन्होंने। लेकिन इस दफ़ा मीडिया से ताल्लुक़ में वाज़े फ़र्क नज़र आया। लेकिन असल बात यह है कि ये खालिस्तन अल्लाह ताला का फजल हुआ है। इन लोगों ने तो उंगली लगाई थी और अल्लाह ताला ने उसमें बेइंतहा बरकत डाली। बल्कि ये लड़के ये काम करने वाले खुद एतराफ़ करते हैं कि हमारी तोकवाज से बहुत बढ़कर हमें रिस्पांस मिली है। या तो ये कोशिश होती थी कि प्रेस में हमारी कोई ख़बर आ जाए, कोई ज़िक्र आ जाए, ताकि जमात का तारुफ भी हो, इस्लाम का तारुफ भी हो। लेकिन प्रेस और मीडिया बड़े दखल किया करता था। या ये हालत थी इस दफ़ा कि मीडिया वाले पीछे फिरते थे कि हमें वक्त दो, हमने अवाम जमात अहमदिया से का इंटरव्यू लेना है, उनसे बात करनी है। लेकिन वक्त की कमी की वजह से मजबूरी थी, इस वजह से जितना हो सका मीडिया के साथ रابطہ या इंटरव्यू उतना ही हो सका, बाकियों से मदद करनी पड़ी। अब हमारे वहाँ जो मीडिया टीम है उनको भी चाहिए
कि इन लोगों से जिनसे माजरत की गई थी उनसे ताल्लुक़ भी रखें और मिलकर भी माजरत करें या तारीरी माजरत करें, ये अगले राबतों के लिए ज़रूरी चीज़ है। बहरहाल अब मैं खुलासतन बाज़ तासरात मुख्तलिफ फंक्शन के पेश करता हूँ। अल्लाह ताला के फजल से वहाँ तीन नई मसाजिद बनाई हैं, लेकिन दो का ऐसा फंक्शन था जिसमें गैरों को बुलाया गया था। पार्लियामेंट में भी एक फंक्शन हुआ, यॉर्क यूनिवर्सिटी में भी, वहाँ भी उनसे एड्रेस किया, ख़िताब हुआ। टोरंटो में पीस सिंपोजियम हुआ, कैलगरी में पीस सिंपोजियम हुआ, जिनमें गैरों के सामने इस्लामी तालीमात पेश करने का मौका मिला। अल्लाह ताला के फजल से हर जगह लोगों ने इस्लामी तालीमात की खूबसूरती का एतराफ़ किया। पहले मैं मुख्तसरन टोरंटो में मीडिया कवरेज का जिक्र कर देता हूँ। टोरंटो में तीन इंटरव्यूज़ के अलावा जो खसूसी मसरूफियत थी, यूनिवर्सिटी का जिक्र तो आगे आ जाएगा, तीन इंटरव्यू हुए जिनमें ग्लोबल न्यूज़ टोरंटो का था, एक ये कनाडा का एक मशहूर न्यूज़ नेटवर्क है, और ये इंटरव्यू नशर किया गया और तकरीबन 3 लाख अफराद ने देखा और 1 लाख अफराद उसको जब तक ये रिपोर्ट थी ऑनलाइन भी देख चुके हैं। इसी तरह दूसरा इंटरव्यू CBC का, जो वहाँ का उनका नेशनल न्यूज़ चैनल है, उसका एक बहुत मशहूर है जर्नलिस्ट, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट है पीटर मैंसब्रिज, उन्होंने इंटरव्यू लिया तो ये पहले गया था, लेकिन 2 हफ्ते बाद उन्होंने अपने प्रोग्राम में दिया और तकरीबन आधे घंटे का ये प्रोग्राम था जो नेशनल टेलीविजन पर दिखाया गया। जैसा कि मैंने कहा कि सबसे सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहाँ के और बड़े अहम समझे जाते हैं, इस्लाम के बारे में, दुनिया के हालात के बारे में, हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बेइज्जत के बारे में, आजकल जो शिद्दत पसंदों ने इस्लाम को बदनाम किया हुआ उसके बारे में बहुत सारी बातें हुई, जिसका कुछ हिस्सा उन्होंने दिया और कुछ नहीं, लेकिन बहरहाल एक अच्छी कवरेज हो गई थी। इसी तरह ग्लोब एंड मेल एक नेशनल अखबार है, ये जो पहला इंटरव्यू का जिक्र मैंने किया है जो CBC का था, इसके इनका अंदाज़ा है कि 10 मिलियन कैनेडियन अफराद तक पैगाम पहुँचा, और फिर अखबार के ज़रिए से इसमें बड़ी तफसीली खबरें शाया हुई और YouTube चैनल पर भी आया, उसके ज़रिए से भी 1 मिलियन अफराद तक खबर पहुंची। फिर लेक्चर के हवाले से अखबारात और रसायल ने खबर दिया, यूनिवर्सिटी में लेक्चर था, उसकी कवरेज भी तकरीबन 5 लाख अफराद तक हुई। अब मैं अगले प्रोग्राम का जिक्र करता हूँ, जो जलसे के बाद पहला प्रोग्राम हुआ ऑटवा में, जो उनका कैपिटल है वहाँ पार्लियामेंट में। मुख्तलिफ सारा दिन तकरीबन प्रोग्राम रहा, वहाँ मसरूफियात रहीं, लोगों से मिलना जुलना रहा,
वज़ीर आज़म से अलहदा मुलाकात भी हुई, फिर उनके कुछ वज़रा के साथ बैठ के मुलाकात हुई और बड़ी अच्छे माहौल में, और उनका जो तआवुन हमेशा जमात के साथ रहा उसका शुक्रिया मैंने अदा किया। फिर वहाँ जो तकरीब थी पार्लियामेंट हाउस के एक हॉल में, उसमें वहाँ कैनेडियन गवर्नमेंट के 6 वज़ीर शामिल हुए, 57 नेशनल मेंबरान पार्लियामेंट शामिल हुए, 11 मुख्तलिफ ममालिक के एम्बेसडर शामिल हुए और अमेरिका की एम्बेसी के फर्स्ट सेक्रेटरी और लीबिया की एम्बेसी के नुमाइंदगान शामिल हुए। सूबा ओंटारियो के मिनिस्टर भी मौजूद थे। 30 से ज़ायद आम शख्सियात प्रोग्राम में शामिल हुई, इसमें चीफ ऑफ स्टाफ और मिनिस्टर्स शामिल थे, फिर एवेंजेलिकल फॉलोशिप के डायरेक्टर शामिल थे, कैनेडियन रेड क्रॉस के चीफ कम्युनिकेशन ऑफिसर शामिल थे, RCMP के असिस्टेंट कमिश्नर शामिल थे, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑटावा के और कारंटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शामिल थे, बास डीन और वाइस प्रेसिडेंट भी, कैनेडियन काउंसिल फॉर मुस्लिम के डायरेक्टर शामिल थे, US गवर्नमेंट के नुमाइंदगान और बास थिंक टैंक के मेंबर शामिल थे। जो है वहाँ बड़ी अच्छी एक इन लोगों की जो अपने आप को दुनिया के मामला चलाने वाला समझते हैं उनकी एक गैदरिंग थी। वहाँ इस्लाम की तालीम की रोशनी में बयान करने का मौका मिला और इसी तरह जो इनका किरदार है और दो उंगली दिखाते हैं लोग, उसको भी मैंने वादे किया कि सिर्फ मुसलमानों पे इल्ज़ाम ना दो बल्कि तुम्हारे अपने जो काम हैं इनकी तरफ भी देखो, और तुम लोगों की वजह से बाज़ दफ़ा बाज़ दुनिया में फसाद पैदा हुए हैं। बहरहाल उसके जो बाद में तासुरात थे वो पेश करता हूँ। मेंबर पार्लियामेंट हैं जोडी सेग्रो, उन्होंने कहा कि इमाम जमात का ये ख़िताब इन नसाए से पुर था कि हम किस तरह तीसरी जंग अजीम से बच सकते हैं। ये बिल्कुल वादे था कि हमें इस तबाही से बचने के लिए एक दूसरे से तआवुन और मेहनत की ज़रूरत है। ये कहती हैं कि ये पैगाम जो इस वक्त दिया गया ये सारी दुनिया तक पहुंचाने की ज़रूरत है। फिर एक मेंबर पार्लियामेंट हैं केवन वॉल, इन्होंने कहा कि मुख्तसर अल्फाज में बहुत से अनावीन पर रोशनी डाली। मैं ख़ास तौर पर इस बात से मुतासर हूँ कि इमाम जमात ने अपने ख़िताब में कुरान करीम के बहुत से हवालाजात पेश किए। यह अमर ख़ास तौर पर मुझ जैसे शख्स के लिए जिसका दीनी इल्म बहुत कम है नहायत खुशकुन था, इससे मेरे इल्म में भी इजाफा हुआ। हर एक ने अपने अपनी सोच के मुताबिक बीच में से पॉइंट निकाले और इस तबसरे भी किए, कुछ राज याद रखे जो उनको। इसी तरह इसराइली सफ़ीर भी वहाँ मौजूद थे। ये कहते हैं कि अमन के लिए अहम पैगाम था और तमाम मज़हब को किस तरह एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए। आज इस्लाम के बारे में कहते हैं कि आज इस्लाम के बारे में मेरी सोच बदल गई है और इसकी कदरदानी भी बढ़ गई है। इस खिताब को शाया करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहिए, और अगर लोग इस पैगाम की पैरवी करें तो दुनिया के गंभीर से गंभीर मसाइल भी हल हो सकते हैं। मुझे इस खिताब में बर्दाश्त का पहलू बहुत पसंद आया और ये कि तमाम लोगों के हकूक़ अदा किए जाने चाहिए, चाहे वो मुसलमान हों या यहूदी हों, सबके हकूक़ अदा होने चाहिए। फिर सीनियर इमिग्रेशन जज और इस साल जो वहाँ सर फुल्ला खान अवार्ड दिया जाता है उसके हासिल करने वाली लोई सार्बर
ने अपने ख्याल का इजहार करते हुए कहा कि नहायत साफ ज़ुबान में इमाम जमात ने हमारी कमियों और कमज़ोरियों की तरफ तवज्जो दिलाई और साथ साथ मगरबी माशरे के मसाइल पर भी रोशनी डाली, और ये कि बाज़ दफ़ा इनके अमलों में मुनाफ़कत नज़र आती है और अक़लियतों के हुकूक अदा नहीं करते। फिर मेंबर पार्लियामेंट राज सैनी ने कहा कि इस्लाम के बारे में बताया कि एक अमन पसंद मज़हब है और जो मुसलमान इस अमल के पैगाम की पैरवी नहीं करते वो सच्चे मुसलमान नहीं। इसी तरह एक पार्लियामेंट के मेंबर हैं माजिद जवाहरी, अरब मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं किसी, ये कहते हैं कि दुनिया में क़याम उनकी किस तरह हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमने आज पैगाम में सुना और इसको हमने मिलजुल कर हल करना है। और भी बहुत से चैलेंज हैं, मौशी बहरान, दहशतगर्दी, इन सब के लिए हमें सख्त मेहनत और मिलकर काम करने की ज़रूरत है। क्रिस्टी डिंकन साहिबा मेंबर पार्लियामेंट हैं और वज़ीर भी हैं साइंस की, ये कहती हैं एक बात जो ख़ास तौर पर मेरे दिल को लगी वो ये, इनसे वैसे भी बातें होती रही थी ज़ाती तर्स तबसरा इन्होंने किया कि एक बार जो दोस्त बन जाए वो हमेशा के लिए दोस्त हो जाता है। खिताब में कई पहलू बयान किए, मसलन अदल व इंसाफ, अमन, नौजवान, अक़वाम मुत्तहिदा और हम सबको मिलकर इंसानियत की बेहतरी के लिए कोशिश करना। कहती हैं कि अहमदिया जमात मेरे लिए एक मेहरबान फैमिली की तरह है। इसी तरह मेंबर पार्लियामेंट निकोला डी ओरियो ने अपने ख्याल का इजहार करते हुए कहा कि बड़ी अच्छी तकरीर थी जिसमें तमाम दुनियावी मसाइल को इख्तिसार के साथ पेश किया, आपने मज़हब के पस मंज़र में दुनिया के मसाइल पर रोशनी भी डाली। जमात अहमदिया एक ज़बरदस्त जमात है और मज़हबी तंजीमों के लिए एक मिसाल है। हमें इस तरह मुतवज्जह किया कि मज़हबी मामलात में बर्दाश्त होनी चाहिए और यह कि जारहीत का नतीजा मज़ीद जारहीत ही होता है। अगर हम बर्दाश्त जैसी एक सिफत को इख्तियार कर लें तो हम एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। कहते हैं कि मेरे ख्याल था कि इमाम जमात अहमदिया आएंगे यहाँ और रस्मी किस्म की बातें करके चंद अल्फाज शुक्रगुजारी के अदा करके बैठ जाएंगे, लेकिन जो खिताब हुआ तो कहते हैं कि शायद ही मैंने इससे बेहतर कोई एड्रेस सुना हो। उन्होंने तमाम मसाइल पर जिनका सामना तमाम दुनिया को है रोशनी डाली, जैसे आबो हवा में तब्दीली, इक्तसादी मसाइल, खाना जंगी, बुनियादी वजह नाइंसाफ़ी बयान की, दौरे हाज़र के मसाइल के हल भी बयान किए और मजहबी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए यह भी कहा। असले की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होनी चाहिए जो मगरबी मालिक करते हैं, यह भी कहा। कहते हैं मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होकर बेहद खुशी हुई कि किसी अमन पर बात करने वाले को सुना। कहते हैं ये तमाम दुनिया को किस तरह इस्लाम से मुतारफ़ करा रहे हैं और यही असल तरीका है। जर्मन सफ़ीर वर्नर वेंट ने कहा कि इमाम जमात अहमदिया ने मुस्तकबिल की तस्वीर कशी की है, हम सब भी ऐसा ही पुरम मुस्तकबिल चाहते हैं। इनके ख़िताब से हमें पता चला कि इस्लाम पुरमन मज़हब है और हम सब यूरोप में आने वालों के साथ मिलकर रह सकते हैं। तकरीर का सबसे अहम पैगाम ये था कि हम सबको दुनिया की बेहतरी के लिए कोशिश करनी होगी और इस बात को यकीनी बनाना होगा कि अवामुन नास को इनफरादी तौर पर अपनी ज़िंदगियां गुजारने की इजाज़त हो। यह भी मैंने कहा था कि मज़हब के मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए हुकूमतों को, और
بعض مسائل ہیں، حجاب ہے یا مسجدیں ہیں، اس قسم کی چیزیں یورپ میں سوال اٹھتے رہتے ہیں، یہ ایسے سوال ہیں جو فتنہ پیدا کریں گے۔ اسی طرح ایک چیف امام اور اسکالر محمد جبار، جو غالباً کسی غرب ملک سے ہیں، یہاں ایک مسجد کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سنی امام ہوں اور مجھے کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ اس تقریر نے دنیا میں قیام امن کی بنیاد رکھی ہے، اس تقریر کی آج دنیا کو اشد ضرورت ہے۔ امام جماعت کی تقریر حکمت سے پر تھی، کیونکہ آپ نے کسی ایک فریق پر الزام نہیں لگایا، بلکہ یہ کہا کہ دنیا کی بے چینی تمام گروہوں کی کمزوریوں کی وجہ سے ہے، ہمیں اپنی کمزوریوں اور خامیوں کو قبول کرنا چاہیے اور پھر بہتری کی طرف قدم اٹھانا چاہیے۔ اس میں اس اسلامی تعلیم کی طرف توجہ دلائی کہ کوئی انسان غلطیوں سے پاک نہیں ہے، کہتے ہیں بڑا اچھا خطاب تھا اور سب مضمون بیان ہوئے جن کی ضرورت تھی، اور قانون ساز لوگوں کو متبادل حل بھی بتائے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اسلامی نظریے کو نہایت خوبصورت رنگ میں پیش کیا اور بہت سے مشکل پہلوؤں کو اس خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ لوگوں کو کے جذبات کو بھی ٹھیس نہ پہنچے۔ پھر ایک مہمان گارنیٹ جینس کہتے ہیں کہ پیغام بہت اچھا تھا، کس طرح مذہب اور مذہبی رہنما معاشرے میں قیام امن اور عصر حاضر کے مسائل حل کر سکتے ہیں، یہ بات بھی اجاگر کی کہ کس طرح اسلحے کی خرید و فروخت کو کنٹرول کر کے ہم ایک دوسرے کے ساتھ امن سے رہ سکتے ہیں۔ عموماً ہم کہتے ہیں کہ عموماً ہم ایک دوسرے پر الزام تراشی کرتے رہتے ہیں، لیکن امام جماعت نے وضاحت کی کہ کس طرح مغرب اور دوسرے ممالک اپنے کردار ادا کرتے ہوئے دنیا کی حالت بہتر بنا سکتے ہیں۔ ایک سکھ مہمان نے کہا کہ ایک مغربی پارلیمنٹ میں آ کر دنیا کی بے چینی ایک مغربی پارلیمنٹ میں آ کر کہا کہ دنیا کی بے چینی میں مغربی ممالک کا بھی ہاتھ ہے۔ مثلا انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ جو اسلحہ مغربی ممالک بیچتے ہیں وہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں کیسے پہنچ جاتا ہے۔ اس بات کو بھی واضح کیا کہ جو کینیڈین لوگ دہشت گردی کے لیے جاتے ہیں ان میں سے 20% خواتین ہوتی ہیں، اور وہ آنے والی نسلوں کو بھی اس رنگ میں رنگین کر دیں گی۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ کہتے ہیں یہ بات ہی مجھے اچھی لگی کہ انہوں نے قرآن کے حوالے سے بھی بات کی کہ ہمیں اپنے عہد اور امانتیں پورے کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑے خوبصورت انداز میں یہ کہا کہ حکومت بھی ایک امانت ہے اور حکومتی عہدیداران کو اپنے ان عہدوں کو کما حقہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ بھی کہا، پھر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام جماعت نے یہ بھی کہا کہ مسلمان علماء نے عوام کو گمراہ کیا ہے اور اس وجہ سے فساد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مغربی ممالک کو بھی چیلنج کیا کہ وہ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ آزادی ضمیر اور آزادی حقوق کو قائم کرتے ہیں، اس لیے اب ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ان دعووں پر عمل کر کے دکھائیں اور مذہبی امور میں مداخلت نہ کریں، جیسے حجاب پر پابندی یا عبادتگاہوں پر پابندی۔ کہتے ہیں بڑے عمدہ طریقے سے مغرب کو توجہ دلائی۔ اسی طرح پارلیمنٹ ہل جو فنکشن تھا، یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں، بے شمار اس طرح کے تبصرے تھے منسٹروں کے بھی اور دوسروں کے بھی۔ پارلیمنٹ ہل کی میڈیا کوریج جو ہوئی، ایک تو پہلے خود وزیراعظم صاحب نے اپنے ٹویٹ اکاؤنٹ پر لکھا کہ مجھے آج آٹوا میں جماعت احمدیہ کے خلیفہ مرزا مسرور احمد سے مل کر خوشی ہوئی، اور ساتھ تصویر بھی دی اس نے، اور پھر یہ ٹویٹ چلتی رہی۔ اس طرح اس کی کوریج جو تھی
اخباروں کے ذریعے سے یہ سارے فنکشن کی تقریباً 4.5 million افراد تک پہنچی ہے خبر مختلف ذریعوں سے. اسی طرح ٹورنٹو میں ایوان طاہر میں ایک پیس سمپوزیم تھا جس میں 614 غیر جماعت اور غیر مسلم مہمان شامل ہوئے, جن میں مختلف علاقوں کے میئرس, کونسلرز, اخبارات کے صحافی, ڈاکٹرز, پروفیسرز, ٹیچرز, وکلاء اور زندگی کے مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے. پریسبیٹیرین چرچ کے پادری کہتے ہیں اس پیس کو سمپوزیم میں سن کے کہ آج امام جماعت کے خطاب سے مجھے بڑا اثر ہوا, کیونکہ یہ پیغام امن, محبت اور امید کا پیغام تھا جس کا رنگ و نسل, شرق و غرب یا کسی خاص وقت یا جگہ سے تعلق نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے تھا. اس خطاب کی اہمیت یہ بھی ہے کہ دنیا میں بہت سی غلط فہمیاں اور خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے, لیکن آج کے پیغام میں یہ بات واضح تھی کہ ہمارے درمیان مشترک چیزیں زیادہ ہیں اور اختلاف کی باتیں کم. یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے جسے لوگوں کو سننے کی ضرورت ہے. ایک مہمان گریگ کینیڈی, جن کی بہن نے حال ہی میں اسلام قبول کیا, کہتے ہیں کہ میں آج اپنی بہن کے ساتھ آیا ہوں کیونکہ اس نے ماضی قریب میں اسلام قبول کیا ہے اور ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ جماعت احمدیہ کی کیا تعلیمات ہیں, اور امام جماعت کا پیغام سن کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میری بہن اتنی محبت کرنے والے اور ساتھ دینے والے اور لوگوں کی خدمت کرنے والے لوگوں میں شامل ہوئی ہے. جو باتیں میں نے آج سیکھی ہیں میں ان سے بہت خوش ہوں. اس میں بھی میں نے امن کے ساتھ جماعت کی جو خدمات ہیں دنیا میں ان کا بھی ذکر کیا تھا اس پیر سمپوزیم میں. اسی طرح یہ ایک صاحب جو پارلیمنٹ میں تھے, نائل ایسوسیشن کے صدر ہیں, محمد الحلواجی, کہتے ہیں کہ آج کا پیغام نہایت واضح تھا کہ ہم سب کو محبت کے ساتھ رہنا چاہیے اور ہمیں کسی سے نفرت کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم ایک دوسرے سے نفرت کرتے رہیں گے تو امن قائم نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں کہ جب میں نے پارلیمنٹ میں امام جماعت کا خطاب سنا تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ پارلیمنٹ میں اس طریق پر کوئی مسلمان رہنما اس طرح خطاب کر سکتا ہے. کوئی خوف کی کوئی جھلک نظر نہیں آئی اور نہایت نڈر طریق پر اپنی تقریر کی اور لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہی اسلام کا صحیح اور سچا پیغام ہے. جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں آج کے خطاب میں بھی محبت سب کے لیے, نفرت کسی سے نہیں کے حوالے سے بات کی, اور یہی ہمارا لائحہ عمل ہونا چاہیے اور یہی سچ ہے. پھر زمیتا کمیونٹی کے ممبر ابو یوسف صاحب ہیں کہ کہتے ہیں میں نے آج جو میں نے سنا اور دیکھا اس سے بہت متاثر ہوا. امام جماعت نے اپنے خطاب میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی مثالیں پیش کیں اور ہمیں توجہ دلائی کہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. امام جماعت احمدیہ نے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ سے یہ بھی ثابت کیا کہ انہوں نے جبرن کبھی بھی کسی کو اسلام میں داخل نہیں کیا, اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تمام انسانیت کی خدمت کی. قرآن کریم کے حوالے سے بھی اسلامی تعلیم پر روشنی ڈالی, جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے لائق رہا فی الدین, اور کس طرح آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائی, یہودی, ہندو یا کسی بھی مذہب کے ماننے والوں کو ان کے حقوق دیے اور توجہ دلائی کہ بحیثیت انسان ہم سب ایک ہیں. پھر تیسرا فنکشن یارک یونیورسٹی میں ہوا, اس میں, اور یہ اس یارک یونیورسٹی کا شمار کینیڈا کی بڑی یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے, اس میں 11 فیکلٹیز ہیں اور جو کیمپس ہے اس کا مین کیمپس
उसमें 53,000 से ज़ायद तलबा तलीम हासिल कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में उसातज़ा की तादाद 7,000 के करीब है। इस यूनिवर्सिटी से अब तक 3,00,000 के करीब तलबा तलीम से फारग हो चुके हैं। तीसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है, मैंने चांसलर से पूछा था, उन्होंने कहा कि तीसरी यूनिवर्सिटी है ये कैनेडा की। इस तकरीब में एक दोस्त शामिल हुए, कैट कॉरियर साहब, जो इंडिजिनस एल्डर मेंबर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के। वे कहते हैं कि आज का दिन एक तोहफा था, ऐसी बातें सुनकर बहुत लुत्फ आया कि हम सब मिलकर दुनिया के अमन के लिए काम कर रहे हैं। इन लोगों के भी हुकूक मारे गए हैं, कम अज़ कम ये इनका ख्याल है कि हुकूमत को जो हमारे साथ करना चाहिए था, जो पुराने मुकामी लोग हैं, वो उनका हक नहीं अदा हो रहा। तो कहते हैं कि दुनिया के अमन के लिए काम कर रहे हैं। जो बात मुझे ख़ास तौर पर पसंद आई वो ये थी कि इमाम जमात अहमदिया ने जो कुछ भी कहा वो दिल की गहराई से कहा। जब कुछ सच्चाई की बातें दिल से करता है तो हमेशा यादगार रहती हैं। वो दुनिया की तरफ, दुनिया की दूसरी तरफ से आकर वही पैगाम पेश कर रहे हैं जिसे हम पसंद करते हैं। और फिर इसी तरह एक तालिबा इल्म थी शेरिल क्रेस, कहती है कि बहुत अच्छा मौका था जिसमें हम सबको इस्लाम की बाज़ हकीकी तालीमात का पता लगा। अब मुझे इस्लाम का कुछ इल्म हासिल हो गया है। अब मैं सिर्फ गुमान पर नहीं चल रही बल्कि इमाम जमात ने अमन के हवाले से खूब अच्छी बातें की हैं। ये बातें ख़ास तौर पर तारीफ़ के लायक हैं कि इमाम जमात ने समझाया कि हम में बहुत सारी बातें तालीमात के हवाले से मिलती जुलती हैं। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी और आपकी यानी जमात की बुनियादी इकदार एक ही हैं। एक यूनिवर्सिटी के जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के दूसरी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने अपने सारे स्टूडेंट भेजे हुए थे वहाँ लेक्चर सुनने के लिए। एक सहाफ़ी यौसर अलबरानी कहते हैं कि ये बात मुझे बहुत पसंद आई कि इमाम जमात ने आपस में सुलह के साथ रहने के बारे में बताया। एक जर्नलिस्ट होने के लिहाज से मैं अक्सर अमन और औरतों के हकूक़ के बारे में लिखती हूँ, औरत हैं ये, लेकिन जब एक मजहबी लीडर इस बारे में बात करे तो वह एक ख़ास अहमियत रखती है। इमाम जमात ने बड़ी वजाहत से इस्लामी दुनिया के मसाइल को बयान किया कि उनके पीछे दूसरी हुकूमतों का हाथ है। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि जब इमाम जमात दुनिया के हालात के बारे में पढ़ते हैं तो उन्हें दुख होता है। फिर एक पादरी साहब कहते हैं कि जो बातें कुरान करीम से पेश की वो नहायत आसान ज़ुबान में समझ आ गईं। और ये बात ख़ास तौर पर मुझे पसंद आई कि दुनिया में जो मुख्तलिफ जंगें हो रही हैं वो किसी ख़ास ताकत की मदद या उसकी सरपरस्ती में हो रही हैं, और अगर बड़ी हुकूमतें इमदाद करना छोड़ दें तो ये सब कुछ ख़त्म हो सकता है। फिर सिस्काटून हम गए थे, वहाँ भी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जमाती प्रोग्राम ही थे, गैरों के साथ प्रोग्राम तो नहीं था, लेकिन प्रेस के ज़रिए से ही तकरीबन मुख्तलिफ रेडियो और प्रेस के ज़रिए से मजमूई तौर पर 1.78 मिलियन लोगों तक पैगाम वहाँ भी पहुँचा। फिर मस्जिद महमूद रजायना का इफ्तिताह था, वहाँ भी उसके एक जुमे के बाद शाम को एक होटल में रिसेप्शन थी मस्जिद के हवाले से ही। इसमें 200 मेहमान शामिल हुए। इसमें सिस्काचुआन सूबे के वज़ीर आला, नायब वज़ीर आला, रजायना सिटी के मेयर, मिनिस्टर बराए पब्लिक सेफ्टी, अपोजिशन के डिप्टी हाउस लीडर, करीबी शहरों के मौजूद और साबिक मेयर्स, यूनिवर्सिटी ऑफ सिस्काचुआन के सदर और नायब सदर, यूनिवर्सिटी ऑफ रजायना के रिलीजियस स्टडीज़ के डिपार्टमेंट के हेड,
प्रोफेसर, पादरी, पुलिस चीफ और दीगर शोबा ज़िंदगी से तल रखने वाले मेहमान थे, शामिल हुए। मज़हब आलम के एक प्रोफेसर साहब कहते हैं, रजाइना की मस्जिद के इफ्ताह के मौके पर जो एड्रेस सुनने के बाद कहते हैं कि नहायत पुरमारफ और दिलकश खिताब था, उन तमाम खिताबात में से नुमायाँ था जो मैंने मज़हब आलम के प्रोफेसर के तौर पर सुने हैं। इमाम जमात की जो बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो आपका वाज़े और काबले अमल पैगाम था कि अगर दुनिया में सब अमन चाहते हैं तो ये उन गरीबों को नज़रअंदाज करके नहीं हासिल हो सकता जो तकालीफ में मुब्तला हैं। मेरे ख़्याल में ये पैगाम बहुत ही वाज़े था। फिर कहते हैं कि मेरे ख़्याल में मौजूदा हालात के पेश नज़र, जबकि दुनिया के मसाइल के इस्लामी हल पर लोग कुछ गलत फहमियों में उलझे हुए हैं, इस पैगाम को उनका पैगाम बहुत ज़रूरी है। यानी जो मैंने कहा, कहते हैं कि उन्होंने इन खदशात को दूर करने का ज़िम्मा लिया और इनका पैगाम हमारे इस मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी में बहुत बाहमी तआवुन, इत्तेफाक और एहतराम को तरवीज देने के लिए बहुत अहम था। फिर लेजिस्लेटिव असम्बली सस्कटून के मेंबर हैं पॉल मैरीमैन, कहते हैं कि सियासी और दुनियावी फंक्शंस मुख्तलिफ होते हैं, वहाँ पर लोग ज़ोर लगाकर अपने ख्यालात को ज़ाहिर करते हैं और लोगों पर असर डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन अवाम जमात अहमदिया ने में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई। मुझे लगा कि वो बहुत ही मोहब्बत से अपनी तरफ बुला रहे हैं और सबसे मोहब्बत करने के लिए तैयार और मुस्तैद हैं। मैं समझता हूँ कि मज़हब और रूहानियत असल में इसी बात का नाम है, यानी अपने हमसायों से मोहब्बत करना और दूसरों की मदद करना। हमसायों के सलूक का जो इस्लामी तालीम है, इसका भी मैंने वहाँ ज़िक्र किया था, उस पर उसकी तरफ इशारा इनका। फिर कहते हैं कि नहायत ज़रूरी है कि एक ऐसी जमात मस्जिद बनाए जो इस्लाम की हकीकी तालीम को फैलाने वाली हो, क्योंकि सस्कैचवान के तमाम लोग मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और सबको एक दूसरे से एहतराम और रवादारी का सलूक इख्तियार करना चाहिए। फिर सस्कैचवान के लीडर ऑफ़ ऑपोजिशन ट्रेंट वेदरस्पून कहते हैं कि एक ख़ूबसूरत इज्तिमा था आज का। इमाम जमात अहमदिया का पैगाम ताकतवर और ज़रूरी पैगाम था जिसने हमारे मज़ाहब में कदर मुश्तरक बातों की निशानदेही की, हमें बताया कि कैनेडा के अहमदी इंसानियत को तरजीह देने के अकीदे को फोकियत देते हैं। इमाम जमात अहमदिया के का पैगाम कि हम दूसरों के लिए वही पसंद करें जो हम अपने लिए पसंद करते हैं, हम सब के लिए अहम है। फिर ये कहते हैं बाहमी रवादारी और अमन कायम हो, ये पैगाम था। इमाम जमात ने उन अकदार की निशानदेही की जिस पर हम सबको चलने की कोशिश करनी चाहिए। ये अकदार ना सिर्फ हमारे शहर रजाइना या हमारे सूबे सस्कैचवान का मजबूत करने के लिए, बल्कि हमारे मुल्क और हमारी दुनिया को मजबूत करने के लिए है। फिर रजाइना में जो मीडिया कवरेज हुई रिसेप्शन के बाद, मस्जिद के इफ्ताह के बाद, वो मुख्तलिफ टीवी और न्यूज़ अखबारों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और इनफरादी इंटरव्यू भी हुए और टीवी, रेडियो, अखबारात तकरीबन 6-7 प्रेस के मुख्तलिफ मीडिया के लोग थे अखबारों और टीवी के। इस तरह इस मस्जिद के इफ्ताह की वजह से रजाइना के और प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जो ख़बरें आईं वो तकरीबन
1.97 million लोगों तक इसका पैगाम पहुँचा इस्लाम का। इसी तरह लाइट मिनिस्टर मस्जिद बैतुल अमान का अफ्ताह हुआ वहाँ रजाइना के बाद। वो छोटी सी जगह है और ज़्यादातर तेल का कारोबार करने वाले लोग वहाँ जाते हैं। 49 गैर जमात मेहमानों ने शिरकत की वहाँ के रिसेप्शन में, जिसमें सस्काचुआन की असम्बली, लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर और साबिक मेंबरान पार्लियामेंट, नए मुंतखब शुदा मेयर, करीबी इलाकों के मेयर्स, डिप्टी मेयर्स, काउंसलर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, सहाफ़ी और दीगर शोबा ज़िंदगी के इस तलब रखने वाले लोग शामिल थे। साबिक मिनिस्टर ब्राय इमिग्रेशन एंड डिफेंस जेसन कैनी, जिनके हमारे पुराने ताल्लुकात हैं जमात से और मुझसे भी ज़ाती तौर पर उनका काफ़ी ताल्लुक है, वो भी वहाँ आए हुए थे। वो कहते हैं कि जमात अहमदिया एक छोटी जमात है लेकिन बहुत बढ़ चढ़ कर काम करती है और इस्लाम का रोशन चेहरा दिखाने दुनिया के सामने पेश कर रही है। इस वक्त जो दुनिया के हालात हैं और इंतहा पसंदी के बारे में गलत तसव्वुरात हैं, इस्लाम इंतहा पसंदी की इजाज़त देता है, ऐसी सूरत हाल में जमात अहमदिया एक अक्सर की सी हैसियत रखती है। ये वो इस्लाम है जो कैनेडा की तहजीब के ऐन मुताबिक है और अमन का जामन है। और कहते हैं मेरे ख़्याल में मस्जिद का अफ्ताह और इमाम जमात अहमदिया का दौरा इस पूरे इलाके के लिए इल्म में इजाफे का बायस होगा और लोगों के सामने इस्लाम की खूबसूरत चेहरा पेश किया जाएगा। फिर कहते हैं कि आज के ख़िताब में इमाम जमात अहमदिया ने उन तमाम मनफी तसव्वुरात का जवाब दिया जो लोगों के दिलों में इस्लाम और मस्जिद के बारे में आ सकते हैं। मस्जिद का अफ्ताह एक नहायत मुस्बत कदम है और हमारी मजहबी आज़ादी की अकदार के अन मुताबिक है। ये मैंने बताया कि इनका ताल्लुक है लाहौर की जो दारुज़िक्र और मॉडल टाउन की शहादतें हुई थी। सबसे पहले ये थे मिनिस्टर थे उस वक्त ये, और इनका मुझे ताज़ियत का फ़ोन आया था और उसके बाद उन्होंने ये भी वादा किया कि हम शहदा की फैमिलियों को कैनेडा में आबाद करने की कोशिश करेंगे और इस लिहाज से इन्होंने वादा भी पूरा कर दिया। अल्लाह के फजल से तमाम शहदा की तकरीबन फैमिलियाँ वहाँ जा चुकी हैं। तकरीब में शामिल एक मेहमान जॉन गॉर्मले, जो रेडियो पर एक प्रोग्राम के मेज़बान भी हैं, कहते हैं कि मस्जिद के किरदार के हवाले से बहुत से आम नुकात पेश किए हैं। फिर मेरे हवाले से बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि मस्जिद सिर्फ इबादत ही के लिए नहीं बल्कि कम्युनिटी के जमा होने की भी जगह है और जमात अहमदिया इस हवाले से बहुत काम कर रही है। जब भी कोई दहशतगर्दी का वाकया होता है तो जमात अहमदिया ही सबसे पहले आपस के ताल्लुकात बढ़ाने और मुख्तलिफ मज़ाहब को इकट्ठा करने की कोशिश करती है। फिर ये कहते हैं कि ये पैगाम भी दिया हमें कि वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, ये इस्लाम की तालीम है। जमात अहमदिया के लोग पूरी तरह मुआशरे का हिस्सा हैं और जहाँ कहीं भी आबाद हैं वहाँ भरपूर तौर पर लोगों में घुल मिल गए हैं। जहाँ भी जमात के लोग हैं वो वहाँ की कम्युनिटी को मजबूत करने की कोशिश में लगे रहते हैं। फिर इसके बाद कैलगरी, या वहाँ जमात भी बड़ी है, बड़ा शहर है, मस्जिद भी हमारी बहुत बड़ी और ख़ूबसूरत है। वहाँ 11 नवंबर को जुमे के बाद पीस सिंपोजियम था, उसमें तकरीबन 644 मेहमानों ने शिरकत की और इन मेहमानों में कैनेडा के साबिक वज़ीर आज़म जो अभी चंद महीने पहले हटे हैं वज़ारत उज़्मा से, नए वज़ीर आज़म आए हैं, ये भी शामिल हुए। अल्बर्टा के मिनिस्टर ब्राय ह्यूमन सर्विसेज शामिल हुए, कैलगरी के साबिक और मौजूदा मेयर शामिल हुए, साबिक वज़ीर जेसन कैनी जिनका पहले जिक्र हो चुका है वो भी वहाँ आए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी के डीन और वाइस चांसलर भी आए, बाज़ करीबी इलाकों के मेयर्स और डिप्टी मेयर्स भी आए, रेड डियर कॉलेज के प्रेसिडेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरान,
اور مختلف شعبوں کے سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہوئے اور 600 سے اوپر کی حاضری تھی. اچھی گیدرنگ تھی پڑھے لکھے لوگوں کی. کینیڈا کے سابق وزیر اعظم اسٹیفن ہارپر نے یہاں اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے امام جماعت احمدیہ کو متعدد مقامات پر خطاب کرتے ہوئے سنا ہے اور انہوں نے ہمیشہ اسلام کا پورا پیغام دنیا تک پہنچایا ہے. اور پھر اپنا تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خطاب کے بعد کہ آج شام بھی یہی کیا. یہ ایک عظیم شان پیغام ہے جو ان کی جماعت کے تمام ممبران کا عکس بھی ہے. پھر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں امام جماعت کے ریمارکس بہت ہی ضروری اور عام ہیں اور ہر ایک کو ان کو سننے کی ضرورت ہے کیونکہ آج کے دور میں انتہا پسند عناصر اسلام کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے ہیں اور عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہی اصل اسلام ہے. اور پھر کہتے ہیں اسلام کا مطلب ہی امن ہے. خلیفۃ المسیح نے یہ کہا کہ اسلام کا مطلب ہی امن ہے. اسلام کا مطلب اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق سے محبت ہے. پھر کہتے ہیں کہ امام جماعت نے تمام مسائل پر اور دنیا کے دیگر مسائل خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے موضوع پر نہایت پر حکمت روشنی ڈالی. پھر یہ کہتے ہیں بہت ہی مشکل امر تھا لیکن انہوں نے بڑی دانشمندی کے ساتھ اس پر بحث کی. میں ان لوگوں کو تمام لوگوں کو اس بات کی تلقین کروں گا کہ اگر انہوں نے امام جماعت کا خطاب نہیں سنا تو وہ ضرور اسے سنیں. اسی طرح ناہید نینشی صاحب جو میئر ہیں کیلگری کے کہتے ہیں کہ بڑا اچھا خطاب تھا. بڑی جرأت کے ساتھ اسلام کی پرامن تعلیم کو پیش کیا اور کہا کہ اسلام میں کسی بھی قسم کی شدت پسندی کی گنجائش نہیں. مسلمانوں کی نمائندگی میں ایسی بات سننا خوش آئند ہے. یہ آغا خانی ہیں میرے وہاں کے. پھر یونیورسٹی آف کیلگری کے ایک پروفیسر اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے ہوئے تھے. کہتے ہیں کہ یہ پیغام امن کا پیغام تھا جو بہت ضروری ہے. ہم بنیادی طور پر ڈچ ہیں اور ہمارے ہاں کہاوت ہے کہ ان نون از ان لوڈ, یعنی جس چیز کا علم ہی نہیں اسے محبت کیسی ہو سکتی ہے. یہی حال اسلام کا ہے. جب اسلام کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے تو وہ اچھا لگنے لگتا ہے. ہمیں آج امام جماعت کو سننے کا موقع ملا ہے. آج سے اسلام کو ہم بہتر سمجھیں گے اور اسلام سے پہلے سے زیادہ محبت کریں گے. پھر لیڈر آف البرٹا پارٹی اور کیلگری کی لیجسلیٹو اسمبلی, ایلبو کی لیجسلیٹو اسمبلی کے ممبر گرین کلارک نے کہا کہ بڑا متاثر کرنے والا پیغام تھا. بر وقت اور دنیا کے موجودہ حالات کے مطابق تھا. کیلگری اور کینیڈا کے لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے. یہ بات ہمیں دوسروں تک بھی پہنچانی چاہیے کہ اسلام ایک پرامن مذہب ہے اور حقیقت یہی ہے. پھر برائن لٹل شیف اپنے تاثر کا اظہار کرتے ہیں کہ امام جماعت نے امن کے قیام پر اپنے خطاب کو مرکوز رکھا. یہ بہت ہی اچھا انداز تھا. میں اسلام کے بارے میں بہت کم جانتا تھا, ڈرتا تھا اور میڈیا میں منفی کوریج کی وجہ سے مخمصے کا شکار تھا. میں سوچا کرتا تھا کہ کیا قرآن واقعی فساد کی تعلیم دیتا ہے. آج بالآخر مجھے اپنے سوالات کا جواب مل گیا ہے. امام جماعت نے قرآن کریم کے حوالے پیش کیے اور ثابت کیا ہے کہ اسلام امن کا مذہب ہے. پہلے میں جب بھی سفر کے دوران کسی مشرق وسطی سے تعلق رکھنے والے فرد سے ملتا تو ڈرتا تھا کہ وہ دہشت گرد حملہ نہ کرتے, لیکن مجھے آج معلوم ہوا ہے کہ اسلامی تعلیم سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں. امام جماعت نے جو پیغام دیا ہے ہمیں اس پیغام کی بہت ضرورت ہے کیونکہ دنیا میں بہت فساد پیدا ہو چکا ہے اور امام جماعت احمدیہ نے سب کو بتایا کہ ہمیں نفرت کا مقابلہ ہمدردی اور پیار سے کرنا ہے. پھر کیلے صاحبہ ایک خاتون ہیں کہتی ہیں
कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि किस कदर अहम प्रोग्राम में शिरकत करने जा रही हूँ। कहती मैं तो सिर्फ अपने एक दोस्त को खुश करने आई थी जिसने मुझे दावत दी थी कि ज़रूर शामिल होना। बड़ी पढ़ी लिखी खातून है ये भी, लेकिन मैं बहुत ही खुश हूँ कि मैं आ गई। मैंने कभी ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा जिसमें हर तरफ मुस्बत सोच और जमात अहमदिया के इमाम का पैगाम बहुत ही आला है। मुझ जैसे कम इल्म को भी ये बात अच्छी तरह समझ आ गई कि इस्लाम ऐसा मज़हब है जो हर कौम, नस्ल और मज़हब को खुश आमदीद कहता है। चुनाचे हमें हरगिज़ इस्लाम से डरने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है तो इस बात की कि हम मुसलमानों को बेहतर तौर पर जानने की कोशिश करें। फिर कहती हैं कि गैर मुस्लिम स्कॉलर्स के जो हवालात पेश किए गए, यहाँ मैंने कुछ ओरिएंटलिस्ट के स्टैनले पूल वगैरह के हवाले पेश किए थे जो हाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में थे कि आपने किस तरह अमन कायम किया और किस तरह बर्दाश्त सफ़र थी, उसके हवाले से बात कर रही हैं कि गैर मुस्लिम स्कॉलर्स के जो हवाले पेश किए गए वो मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। किस तरह उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश करते हुए इस्लाम के पैगम्बर को अमन पसंद साबित किया है। अहमदियों को भी चाहिए कि सिर्फ वाकफियत की वजह से ये एक फंक्शन पर तो ले आया है, लेकिन जिनसे वाकफियत है उनको इस्लाम की खूबसूरत तालीम के बारे में बताना चाहिए। और इसी तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता बातों से ही तबलीग के रास्ते खुलते हैं। ये नहीं कि आम दुनियावी बातें होती रहें और इस्लाम के बारे में कुछ पता ना हो। अब ये पुरानी दोस्त थी जिसको ये ख्याल तो आया कि अपने दोस्त की खातिर फंक्शन में शामिल हों, लेकिन जो अहमदी दोस्त थी उसने उसको इस्लाम के बारे में कोई बताया नहीं हुआ था। इस बारे में भी हमारे नौजवान लड़कों लड़कियों को तवज्जो देनी चाहिए। कैलगरी पुलिस के एक ऑफिसर बॉब रिशर ने कहते हैं कि नहायत दिलचस्प खिताब था। इमाम जमात ने बताया कि इस्लाम किस तरह मल्टी कल्चरलिज्म को फ़रोग देता है। कहते हैं हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है और इमाम जमात तमाम लोगों को यकजा कर रहे हैं और बैनुल मज़ाहब डायलॉग को फ़रोग दे रहे हैं। इमाम जमात की बातें मेरे दिल को जाकर लगी हैं, बिलखसूस जब इन्होंने आलमी ताल्लुकात के हवाले से बात की और बताया कि इन मसाइल का कैसे हल निकल सकता है। और उन्होंने कुरान करीम के हवाले देकर साबित किया कि इस्लाम अमन का मज़हब है और मुसलमानों को हर हाल में सुलह की तरफ हाथ बढ़ाने की तालीम दी गई है, खास दूसरे फरीक की नीयत ख़राब क्यों ना हो। एक मेहमान कहती हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा अनिल अली युआन साहिबा कि इमाम जमात ने कैनेडा के साबिक वज़ीर आज़म के सामने मगरबी दुनिया को बताया कि उन्हें इंसाफ करना चाहिए और दुनिया के मसाइल में अपने किरदार पर गौर करना चाहिए। इमाम जमात ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि दुनिया के मसाइल का ज़िम्मेदार किसी एक फरीक को नहीं ठहराया जा सकता। इंडिजिनस कम्युनिटी जो है कनाडा की, जो पुराने वहाँ के मुकामी लोग हैं, अपने अपने कबीलों में रहते हैं, अक्सर शहरों में भी आते हैं, लेकिन बहरहाल ये फर्स्ट नेशन कहलाती है, मुकामी है। वो कहते हैं, एक उनमें से ली क्रूशील्ड कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इमाम जमात ने नहायत ईमानदारी और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इस्लाम पर लगाए जाने वाले एतराज़ कि इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम देता है का मुकाबला किया। मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि इमाम जमात ने इस्लामी सहीफ़े से हवाला जात देकर साबित किया कि ऐसे एतराज़ात गलत हैं, यानी कुरान शरीफ से। फिर कहते हैं कि इमाम जमात ने जिस तरह मगरबी ममालिक को कहा कि वो मशरक़ वस्ती में हथियार मुहैया कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल सच है। इमाम जमात ने इस्लामी जंगों की हिकमत बयान करते हुए एक फिक्रा कहा कि टू स्टॉप हैंड ऑफ ऑपरेशन। कहते हैं ये फिक्रा मुझे बहुत पसंद आया, मैं उसे हमेशा याद रखूँगा। यानी इस्लामी जंगें इसलिए लड़ी गईं टू स्टॉप हैंड ऑफ ऑपरेशन। कहते हैं मैं जानता हूँ कि आपके जिसको तबसरा किया उनके आपके खलीफा जुल्म और तशद्दुद का मतलब बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए मैंने महसूस किया कि खलीफा को हमारी तकलीफ़ को बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। इन मुख्तलिफ़ कबीलों के इन मुख्तलिफ़ कबीले हैं इनके भी कि 10 लीडर वहाँ आए हुए थे
उनसे ही मुलाकात हुई और यहाँ भी तबलीग के प्रोग्राम भी बनाएंगे इंशाल्लाह, रास्ते भी खुलेंगे। कैलगरी में मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल, टीवी, रेडियो, मीडिया के ज़रिए से जो कवरेज हुई है वो 8-10 चैनल अखबारों ने ख़बरें दी और बड़े बड़े अखबार भी थे नेशनल लेवल के भी। इस तरह मजमूई तौर पर कैलगरी की जो इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई हैं उसके ज़रिए से 5 मिलियन लोगों तक पैगाम पहुँचा है। कैनेडा के दौरे के दौरान जो मजमूई तौर पर मीडिया कवरेज हुई है इसमें 32 टीवी चैनल्स ने 5 ज़बानों में खबरें नशर की जिनके ज़रिए 40 मिलियन अफराद तक पैगाम पहुँचा। रेडियो मजमूई तौर पर 6 ज़बानों में मुख्तलिफ रेडियो स्टेशंस पर 30 खबरें नशर हुई और इनके ज़रिए से 8 लाख लोगों तक पैगाम पहुँचा। अखबारात मजमूई तौर पर 227 अखबारात में 12 मुख्तलिफ ज़बानों में खबरें और इंटरव्यू शाया हुए जिनके ज़रिए से 4.8 मिलियन अफराद तक पैगाम पहुँचा। सोशल मीडिया जो दूसरा मीडिया है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह के ज़रिए 14.6 मिलियन अफराद तक पैगाम पहुँचा। इस तरह मजमूई तौर पर वहाँ लोगों का अंदाज़ा है कि तमाम ज़राए अगर मिला लिए जाएँ तो 60 मिलियन से ज़ायद अफराद तक पैगाम पहुँचा अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, इस फ़ज़ल की हमें कदर भी करनी चाहिए और इसे संभालना भी चाहिए और ख़ास तौर पर कैनेडा के अहमदियों को इस तरह तवज्जो देनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला के फ़ज़ल मज़ीद बढ़ें। हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे हर काम में अहमदियत और हकीकी इस्लाम को पैगाम पहुँचाने की नीयत होनी चाहिए, तौहीद को दुनिया में कायम करने की नीयत होनी चाहिए। आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे को दुनिया में लहराने की नीयत होनी चाहिए। अगर ये होगा तो अल्लाह ताला हमारे कामों में बरकत भी अता फरमाएगा, अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक भी अता फरमाए। अब मैं पीस विलेज वाले और बोर्ड ऑफ पीस के रहने वाले जो अहमदी हैं, ज़्यादातर अक्सरियत वहाँ की आबादियाँ अहमदी हैं, तकरीबन 99% से ज़्यादा ही हों, उन अहमदियों को भी मैं कहता हूँ कि अपना अहमदी माहौल वहाँ पैदा करें और कायम करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि सही इस्लाम का नमूना आप कायम करने वाले हों और खिलाफत के साथ जिस तरह मोहब्बत और इखलास का इजहार वहाँ करते रहे मेरी मौजूदगी में, बाद में भी उसमें इजाफा करने वाले हों और बढ़ते चले जाएं और अपने असल मकसद को ना भूलें कि हमने अल्लाह ताला से ताल्लुक़ पैदा करना है और उसकी इबादत में हमें कभी सुस्त नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला उनको भी, आपको भी, मुझे भी, सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.